हेलो दोस्तों, वेलकम बैक के एम डी ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप पेटीएम यूज़ करते हो और पेटीएम में क्या आपके साथ फ्रॉड हुआ है, किसी ने आपसे पैसा ले लिया हो, जैसे कि किसी प्रोडक्ट के दौरान आपसे पेमेंट लिया हो और प्रोडक्ट नहीं दिया हो। दोस्तों, इस तरीके का प्रॉब्लम का सलूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम तक आप कर सकते हो, क्या करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरा प्रोसेस जानना है तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए और आप जो है अपना पेमेंट रिफंड पाइए अपने अकाउंट में। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सिंपल पेटीएम को ऑन कर लेते हैं और इसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात, अगर आपने किसी पेमेंट किया है किसी को, उसका स्क्रीनशॉट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास उसका स्क्रीनशॉट नहीं है तो आपको क्या करना है, ये पासबुक का ऑप्शन है, इस पर जाना है और इसके बाद आपको ये देखिए आपने जहाँ भी जितना भी पेमेंट किया ये सब यहाँ पे रहता है, तो इसको ही स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और इसको फोटो एडिटर के द्वारा ऐसे मार्क करके आप इसको ही सेंड करिए पेटीएम वालों को, जैसे मैं आगे दिखाने वाला हूँ कैसे सेंड करना है। और अगर आपके पास पेमेंट का स्क्रीनशॉट हो, जैसे कि मेरे पास है, ये देखिए सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ये पेमेंट मैंने किया था, जिस फ्रॉड को मैंने किया था उससे मेरे को पैसा वापस आ गया है। और अभी मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा कि मुझे कैसे वापस मिला और क्या क्या करने पे मुझे वापस मिला है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सिंपल पेटीएम में चलते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल दोस्तों मैंने जो बताया, अगर आपके पास आपका पेटीएम का स्क्रीनशॉट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको पासबुक के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से उसको उठा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये जो नीचे प्रोफाइल सेक्शन है, इस प्रोफाइल सेक्शन में आपको जाना है और इसके बाद नीचे के सेक्शन में आपको ये हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, आप अगर फ़ोन करके इन लोगों को बताओगे तो आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैंने भी फ़ोन करके पहले बताया था जिसमें कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने ये किया तो हो गया मेरा रिफंड। ठीक है, तो इस पर चलते हैं रिजॉल्व एन इशू पे। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये वाला, इस पर ऐसे क्लिक करना है। और इसके बाद सबसे पहला वाला जो लिखा है ना, अनऑथोराइज्ड ट्रांजेक्शन्स और मनी ट्रांसफर फ्रॉम पेटीएम वॉलेट, उस पर क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद आपको ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे, पहला वाला जो है इसमें आपको इशू लिखना है, आपका इशू क्या है, कि अगर आपके साथ किसी से फ्रॉड हुआ है तो आपको ऐसा लिखना है कि आपने ऐसे लिखिएगा कि मैंने सेलर को पैसे सेंड किए बट उसने मुझे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया है एंड वो पैसा भी वापस देना नहीं चाहता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंग्लिश में यहाँ पे लिख लेना और अपलोड पिक्चर पे क्लिक करके वो जो पिक्चर आपने स्क्रीनशॉट जो आपने रखा था ना, ये वाला, जैसे कि मेरा था ये वाला ऐसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, ये जो मैंने दिखाया था ये वाला, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है जो कि इसी पेटीएम के पेटीएम में रजिस्टर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट देना है। दोस्तों इसमें होगा क्या, ये करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर, 24 वर्किंग डेज के अंदर आपको कॉल किया जाएगा पेटीएम से और इशू पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अभी आप अगर ये जो फ्रॉड हुआ है, तो मैंने तो किया था, जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ था वो 24 घंटे के अंदर मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई थी और मुझे मिल गया था मेरा रिफंड, मतलब मुझे प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया था उसने, क्योंकि उसका पेटीएम जो है वो ब्लॉक किया गया था। ठीक है, और उसका जो पैसा है वो होल्ड हो गया था और मुझे बताया गया था अगर वो पैसा एक दिन के अंदर वापस नहीं करता है तो उस पर मुझे एक FIR दर्ज करना है, जो कि आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके करवा सकते हो और उसका एक फ़ोटो क्लिक करके पेटीएम को भेजना है। अगर आप ये करते हो तो आपको फ्री में डिलीवर हो फ्री में जो भी आपका पैसा वो कट गया है, वो जो आपने सेंड किया है वो आपको वापस दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको करने का मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने जब भी ये कंप्लेन दर्ज कराई तो उन सभी का अकाउंट फ्रीज हो गया था। उससे क्या होता है कि वो लोग अपने पेटीएम में ना ही लॉगिन कर पा रहे थे ना ही कुछ कर पा रहे थे, तो उनका पेमेंट जो है जो भी वहाँ पे सेव था वो
जब्त हो गया था, तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, मेरे को पेमेंट सेंड कर दिया, सॉरी प्रोडक्ट दे दिया मुझे। और मैंने भी पेटीएम को बता दिया कि सर इन्होंने मुझे प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, आप इनका अकाउंट ओपन करवा दो। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पेमेंट मिला है। अब दोस्तों रही बात 1 महीने 2 महीने का, अगर आपका पेमेंट 1 महीने 2 महीने तक पहले है और आपको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कंप्लेन दर्ज करने से, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें आपको ये करना पड़ेगा, पेटीएम में आपको सेम प्रोसेस जो मैंने दिखाई यही करना है। और उन लोगों ने जब आपको कॉल करेंगे ना, तो आपको ये बताना है कि सर वो जो पर्सन है वो मुझे बता रहा था कि आपको कल देंगे पैसे, परसों देंगे पैसे, ऐसे ऐसे डेट दे रहा था, लेकिन अभी जो है वो डेट में डेट दे के फिर भी इनकार कर रहा है पैसे देने के लिए। आपको ये थोड़े बहुत झूठ उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेटीएम वाले आपको सिंपल बोलेंगे इतने दिनों तक आप क्या कर रहे थे, अभी आपका नींद से आप जागे हो कि आप अभी कंप्लेन कर रहे हो, इतने दिन तक आप कहाँ थे। तो इसको छुपाने के लिए आपको ये छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा, और हो सकता हो कि आप लकी हो और आपको आपका पैसा मिल जाए, लेकिन आपको मैं ये प्रेफर करूंगा 24 घंटे के अंदर जितने जल्दी हो सके आप ये कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए और आपका फ़ोन आ जाए, आप पूरा डिटेल उनको बताइए, आपका पैसा 100% मिलेगा। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे, अगर उस पर्सन ने उसका जो पैसा वो अपने वॉलेट से बैंक ट्रांसफ़र कर लिया है, दोस्तों मैं आपको एश्योर करता हूँ अगर वो बैंक ट्रांसफ़र भी कर लेता है ना, फिर भी आपको पैसा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पेटीएम वाले ने मुझे ये पूरा डिटेल मुझे खुद बताया था, और मैं ये मेरा लाइव जो एक्सपीरियंस है उससे उसमें से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था कि उन्होंने मुझे बताया कि वो जो पर्सन था वो एक पेटीएम से दूसरा पेटीएम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे में ऐसे ट्रांसफ़र करवा के पैसे को रिफ्लेक्ट करवाया ताकि उसको पकड़ ना सके, लेकिन पेटीएम वालों ने उन सभी का अकाउंट बंद करवा दिया था और उन सभी का बैंड बज गया, और उन लोगों ने डर के मुझे पैसे सॉरी प्रोडक्ट वापस कर दिए, मतलब जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए था वो मुझे दे दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके को अपना के आप सभी भी अपना पेटीएम का जो पैसा आपका गया है उसको रिफंड ले सकते हो, आप कम से कम ट्राई कर सकते हो दोस्तों, मिले या ना मिले वो तो मुझे नहीं पता, वो पूरा आपके किस्मत में लिखा है, लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना तो बेटर है ना, हो सकता है आपको मिल भी जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, किसी भी फ्रॉड पर्सन को दोस्तों छोड़ना मत, चाहे 10 रुपये हो या 10,000 रुपये, उसको सज़ा ज़रूर दिलवाना, चाहे तो उसका पेटीएम तो ब्लॉक करवाना ही है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहना इसी तरह, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।